press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, let's discuss the fourth part of the lesson, Nationalism in India. जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया तो इंडिया के बहुत सारे ग्रुप्स उनके साथ जुड़े, लेकिन उन सब ग्रुप्स के अपने अपने कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ जुड़े. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस पीजेंट कम्युनिटीज़, स्पेशली रिच पीजेंट कम्युनिटीज़, कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ क्यों जुड़ी. सो सबसे पहला रीज़न उनके लिए ये था कि वो कॉमर्शियल क्रॉप्स की को ग्रो किया करती थी. दैट मीन्स उनका क्रॉपिंग का पर्पस था उसको बेचना और उससे अपना प्रॉफिट लेना. लेकिन जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन आई फ्रॉम 1929 से 1933 के बीच, उस समय जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो एकदम नीचे आने लगे. जैसे ही एग्रीकल्चर प्राइसेस नीचे आ गए, उनकी इनकम कम होने लगी, और जब उनकी इनकम कम होने लगी तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू डिमांड करती थी, दैट मीन्स टैक्स की डिमांड करती थी, वो देने में उन्हें परेशानी होने लगी. ऑब्वियसली चूँकि इनकम कम हो गई थी तो टैक्स देना उनके लिए मुश्किल होने लगा. उनकी तरफ से ये डिमांड आई गवर्नमेंट के लिए कि जो रेवेन्यू की डिमांड वो करती हैं उनसे कम कर दे, क्योंकि उनकी इनकम कम हो गई है. बट ब्रिटिशर्स की तरफ से रेवेन्यू डिमांड में किसी भी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया. इस बात को देखकर दीज रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ दे स्टार्टेड जॉइनिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, थिंकिंग कि अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया और ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए तो जो उन्हें टैक्स देना पड़ता है वो देना नहीं पड़ेगा और उनका जो प्रॉफिट वाला कंसर्न है वो बढ़ जाएगा. तो एक तरह से उनके लिए स्वराज के मीनिंग थे दे स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर केस स्टडी रिलेटेड टू पुअर पीजेंट्स, कि पुअर पीजेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन क्यों किया. जो पुअर पीजेंट्स थे एक्चुअली बहुत सारे ऐसे हुआ करते थे जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती थी, तो ऐसे में वो लैंड लॉर्ड की लैंड यूज़ करते थे क्रॉपिंग के लिए और उसके बदले में उन्हें रेंट दिया करते थे. लेकिन जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन आई, उनकी भी कैश इनकम कम होने लगी और वो रेंट उन्हें लगता था कि वो ज़मींदार को पे नहीं कर पाएंगे, लैंड लॉर्ड्स को नहीं दे पाएंगे. इसीलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो उनका कंसर्न उसे ज्वाइन करने का मेनली यही था कि जो भी लैंड लॉर्ड को उन्हें रेंट देना होता है वो रेंट उन्हें ना देना पड़े, उससे उन्हें मुक्ति मिल जाए. दैट मीन्स द रेंट टू द लैंड लॉर्ड्स शुड बी रिमिटेड, दैट मीन्स शुड बी रिमूव्ड. तो एक तरह से सबके अपने अपने कंसर्न थे टू जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. जनरली बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि वॉट वॉज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर रिच पीजेंट्स और वॉट वॉज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर पुअर पीजेंट्स. सो इन दोनों ही क्वेश्चन की लास्ट लाइन वन मार्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब दो केस स्टडीज़ और हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस क्लासेस एंड द सेकंड वन इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस. तो पहले डिस्कस करते हैं बिजनेस क्लासेस. उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन क्यों किया, उनके भी अपने कुछ कंसर्न थे. एक्चुअली वो अपने बिजनेस को इंडिया में बहुत अच्छे से बढ़ाना चाहते थे, हालांकि उसके लिए वो ब्रिटिश का कोलैबोरेशन लिया करते थे, उनके साथ उनके जॉइंट वेंचर भी हुआ करते थे. लेकिन ब्रिटिशर्स अपनी तरफ से उनकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया करते थे और इंडियन बिजनेस पर्सन्स को स्पेशली वो चाहते थे कि ब्रिटेन की तरफ से इंडिया में जो भी इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट ना हो, ताकि जो भी इंडियन बिजनेस क्लासेस मैन्युफैक्चर करती हैं कपड़े का या किसी और चीज़ का, वो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बिके, और जब ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन बिकेगा तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा. इसके लिए वो ये भी चाहते थे कि रुपये स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो भी फिक्स हो जाए, ताकि जो बाहर से सामान आता है इम्पोर्ट होता है वो कम हो जाए और इंडियंस का सामान यहीं पर डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिके. तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने दो इंडिया में अपने कुछ ग्रुप्स भी बनाए थे, विच आर नोन एज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस, विच वॉज फॉर्मड इन 1920. उसके अलावा उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927, जिसको कि शॉर्ट में फिक्की भी कहा जाता है. और इंडिया में स्पेशली दो लीडर्स जिन्हें हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट लीडर्स, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जी डी बिरला, इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने स्पेशली इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से और इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में आ गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए. और उन्होंने अपनी असिस्टेंस यानी कि अपना सपोर्ट देना शुरू कर दिया इस मूवमेंट को और रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इम्पोर्टेड गुड्स में
ना तो उन्हें बेचेंगे और ना उन्हें खरीदेंगे। तो एक तरह से उनके लिए स्वराज के मीनिंग क्या थे, उनके लिए स्वराज के मीनिंग क्या थे कि जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हैं इंडियन बिजनेस के ऊपर वो ख़त्म हो जाए और इंडिया के अपने लोगों का बिजनेस अच्छी तरह से फ्लरिश होने लगे बिना किसी कंस्ट्रेंट के। नाउ वी स्टार्ट द सेकेंड केस स्टडी, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस। हालांकि जैसे ही इंडस्ट्रियल ओनर्स यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़े, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से थोड़ी दूरी बना ली थी, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ में इन वर्किंग क्लासेस ने पार्टिसिपेट किया। जैसे दे सेलेक्टेड सम गांधीयन प्रोग्राम, उन गांधीयन प्रोग्राम में मेनली हमेशा ही हुआ करते थे गांधी जी का कोई सा भी मूवमेंट हो जिसमें बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स और पिकेटिंग ऑफ द लीगल शॉप्स, और उन्होंने अपना मूवमेंट और चलाया ताकि उनको जो लो वेजेस मिलती हैं और पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं उनको भी वो अच्छी तरह से अच्छी हो जाएं कंडीशंस और उनकी वेजेस भी बढ़ जाएं। तो इसलिए भी उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया और इस ज्वाइनिंग के तहत रेलवे वर्कर्स ने 1930 में और डॉक वर्कर्स ने 1927 में स्ट्राइक्स की, एंड थाउजेंड्स ऑफ द वर्कर्स इन छोटा नागपुर माइंस ऑल्सो वोर द गांधीयन कैप। गांधीयन कैप पहनने का मतलब सबसे बड़ा यही था कि वी आर सपोर्टिंग द मूवमेंट ऑफ गांधी जी। उसके अलावा जहाँ कहीं भी रैलीज हुई, बॉयकॉट कैंपेन हुए, इन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेज ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसलिए तो फेमस है ही क्योंकि उसमें नमक कानून को तोड़ा गया, लेकिन ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इस मूवमेंट में लेडीज़ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जब गांधी जी ने अपनी सॉल्ट मार्च की तो मैनी ऑफ द वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू गांधी जी। उसके अलावा जितनी भी प्रोटेस्ट मार्चेज होती थी उसमें वुमेन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। मार्चेज जहाँ भी सॉल्ट की होती थी वो उसमें जाती थी, और बॉयकॉटिंग ऑफ द फॉरेन क्लॉथ, पिकेटिंग ऑफ द लिकर शॉप्स, दिस ऑल वॉज डन बाय द वेमेन। इसके अलावा रूरल एरियाज़ की रिच पीजेंट लेडीज़ और अर्बन एरियाज़ की हाई क्लास फैमिलीज़, इन से भी लेडीज़ कई बार जेल भी गई ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इन सब ने ये माना कि अपने नेशन के लिए कुछ करना उनकी ड्यूटी का एक हिस्सा बनता है। हालांकि गांधी जी का ये मानना था कि वीमेन की जो सबसे पहली ड्यूटी होती है वो होती है होम एंड हर्थ के लिए, बट स्टिल उन्हें लगा कि हम भी अपने नेशन को सर्विस दे सकते हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। सो दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग ऑन द हायर लेवल इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए। गांधी जी का हमेशा ये मानना था कि अगर हमें इंडिया को फ्री कराना है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, और सबको एक साथ आने के लिए जो हमारी दूरियां हैं कास्ट वाइज उसे भी हमें दूर करनी पड़ेंगी। लेकिन थोड़ा सा हमारी सोसाइटी का सिस्टम भी ऐसा था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों हायर क्लासेस या हायर कास्ट मानी जाती थी, और शूद्रास को हमेशा लोअर कास्ट की कैटेगरी या डिप्रेस क्लासेस की कैटेगरी में रखा जाता था, और इसीलिए उनको दूर रखा जाता था बाय द अपर थ्री कास्ट। लेकिन गांधी जी का मानना था कि जब तक सब लोग एक साथ नहीं आएंगे वी कैन नॉट गेट स्वराज। सो ही डिड सम स्पेशल एफर्ट्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस। सबसे पहले उनका ये मानना था कि हमें स्वतंत्रता तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम अपनी कंट्री से अनटचेबिलिटी को दूर नहीं कर देते हैं, पूरी तरह से उसे कंट्री से एलिमिनेट नहीं कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर अनटचेबल लोगों को एक नाम दिया, हरिजन, दैट मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ द मैसेज कि जिस तरह से हाई कास्ट हैज़ बीन मेड बाय गॉड, सो ईच वन ऑफ अस एक्चुअली मेड बाय गॉड, सो नो वन कैन बी ट्रीटेड एज हायर और द लोअर। उसके अलावा गांधी जी ने एक सत्याग्रह शुरू किया जिसमें उन्होंने ये किया कि टेम्पल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, वेल्स में, रोड्स में, स्कूल्स में, जहाँ कहीं भी पहले डिप्रेस क्लासेस की, अनटचेबल्स की एंट्री अलाउड नहीं थी, ही मेड द कंडीशंस कि उन जगहों पर इन डिप्रेस क्लासेस की, अनटचेबल्स की एंट्री अलाउड हो। उसके अलावा उन्होंने क्लैंडलीनेस को लेकर भी अपने कुछ अभियान चलाए जिसमें उन्होंने खुद टॉयलेट्स को साफ करना शुरू किया, ये दिखाने के लिए कि जैसे दूसरी क्लासेस का काम इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से भंगी जो ये कास्ट है उनका भी काम इम्पॉर्टेंट है। ही परसुएडेड द पीपल, किस बात को, कि उन्हें लगता था कि सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने दिल को चेंज करने की ज़रूरत है, ये सोचकर कि हम हाई कास्ट हैं और दूसरे लो कास्ट हैं,
और लोगों को ये मैसेज दिया कि हम अपने दिलों से ये निकाल दें कि अनटचेबिलिटी भी कोई चीज़ है, इट इज़ ए लाइक अ सिन इफ़ वी आर फॉलोइंग इट। जिस तरह से गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ मूवमेंट चलाए, कुछ एफर्ट्स किए, उसी तरह से बी आर अम्बेडकर ने भी किए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट ही हैड डन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। बी आर अम्बेडकर ने ऑर्गेनाइज़ किए दलित को एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में इन 1930, यानी कि उन्होंने उसके लिए एक एसोसिएशन बनाई विच केम टू बी नोन एज डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। उसके अलावा अम्बेडकर चाहते थे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीट्स मिलती हैं इलेक्शंस के दौरान, उसमें कुछ पर्टिकुलर सीट्स किसको मिले, डिप्रेस क्लासेस को, जिसको हम जानते हैं एज सेपरेट इलेक्टोरेट। हालांकि इस बात को लेकर गांधी जी और बी आर अम्बेडकर में कुछ क्लैशेस भी हुए, क्योंकि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, लेकिन बी आर अम्बेडकर का मानना था कि जब तक डिप्रेस क्लासेस को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा, उनकी जो सोशल डिसेबिलिटी है, यानी कि लोग उन्हें अनटचेबल समझते हैं, ये प्रॉब्लम उनकी कभी भी सॉल्व नहीं होगी। इस क्लैशेस को लेकर कि अनटचेबल्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर और गांधी जी, वो चाहते थे उन्हें नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे सब लोग एक जैसी कंडीशंस में रहें, किसी के ऊपर भी ये टैग ना लगे कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट की कैटेगरी वाले लोग हैं। और इसको लेकर गांधी जी और बी आर अम्बेडकर में क्लैशेस हुए, लेकिन ये क्लैशेस धीरे धीरे ख़त्म हुए कहाँ पर, पूना में। सो एक इंडियन हिस्ट्री में दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैक्ट विच इज़ नोन एज पूना पैक्ट। पूना पैक्ट साइन हुआ सितंबर 1932 में बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी जी। इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो डिप्रेस क्लासेस हैं उन्हें रिजर्व्ड सीट मिलेगी प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर। और उसके अलावा फिर गांधी जी ने कहा कि जो भी वोट देंगे इन सेपरेट इलेक्टोरेट की सीट्स के लिए, उसमें जनरल इलेक्टोरेट के लोग भी होंगे। तो इस तरह से देर वॉज ए काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी। भारत में नेशनलिज्म की फीलिंग को कई तरह से प्रमोट किया गया, उसमें सबसे पहले आता है द फिगर ऑफ भारत माता। भारत माता की जो पिक्चर थी वो सबसे पहले इसका जो आइडिया दिया वो दिया था बंकिम चंद चटर्जी ने, जिन्होंने इंडिया का बहुत फेमस सॉन्ग वंदे मातरम लिखा था विच इज़ ए हिम टू द मदरलैंड। और जिन दिनों इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था अराउंड 1905, उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की इमेज को पेंट भी किया, और भारत माता की जो पेंटिंग बनाई गई उसे उसमें उन्हें एक एसेटिक फिगर की तरह दिखाया गया, जिसमें वो दिखाई जा रही हैं कि वो लोगों को फूड क्लोथिंग वगैरह दे रही हैं। शी इज़ डिस्पेंसिंग फूड एंड क्लोथिंग। और पिक्चर में शी हैज़ बीन शोन वेरी काम कम्पोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। उनके हाथ एक हाथ में माला है जिसमें जिसके थ्रू उनकी एसेटिक क्वालिटी को इंसिस्ट किया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू डू अबाउट द रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर। इसको भी नेशनलिज्म फैलाने के लिए यूज़ किया गया। इंडियन नेशनलिस्ट लोगों ने जो सॉन्ग्स पुराने गाए जाते थे बार्ड्स के द्वारा, उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टूअरिंग विलेज टू विलेज ताकि हमारी पुरानी लोक कथाओं को, गाथाओं को वो कलेक्ट कर सकें, और इसके ज़रिए उन्होंने इंडिया की ट्रेडिशनल कल्चर की एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की, जिसमें ये बताया गया कि हमारी कल्चर बहुत अच्छी थी, मगर उसे करप्ट और डैमेज ब्रिटिशर्स ने किया, यानी कि आउटसाइड फोर्सेस ने किया। उसके अलावा ये इंडियन को मैसेज दिया गया कि जो भी हमारी पुरानी चीज़ें हैं हमें उन्हें डिस्कवर करना है, उन्हें प्रिजर्व करके रखना है, और अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी बनानी है उन चीज़ों के द्वारा, ताकि हम उसमें प्राइड फील कर सकें। और खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसी तरह की बैलेड और पोएम को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। नर्सरी राइम्स में जो पुरानी पुरानी चीज़ें थी उसको कलेक्ट करके उनको इंडियंस के सामने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, ताकि हम ये फील कर सकें कि यस वी आर इंडियंस।